के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। मुनीब के ऊपर फायर कर 1 लाख से ऊपर की लूट, घटना की जांच में जुटी पुलिस। एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने कहा जल्द होगी गिरफ्तारी। विकास के पथ पर अग्रसर है गोरखपुर, जिलाधिकारी के विजयेंद्र पांडे ने कहा जल्द नए लुक में नजर आएगा गोरखपुर। हिंदू युवावाहिनी के कई पूर्व पदाधिकारियों की पुनः संगठन में घर वापसी, प्रदेश प्रभारी एवं विधायक डुमरियागंज राघवेंद्र प्रताप सिंह ने की घोषणा। गोरखपुर न्यूज के खबर का असर, कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित एक लॉन में हुई लाइव चोरी की घटना को संज्ञान में लेते हुए एसएसपी ने मुकदमा दर्ज करने का दिया आदेश, दर्ज हुआ मुकदमा। गोरखपुर न्यूज ने प्रमुखता से दिखाई दी खबर। पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल किए जाने के लिए गर्जे राज कर्मचारी, शिक्षक और अधिकारी, नई अंशदायी पेंशन योजना के खिलाफ किया हड़ताल, खोला मोर्चा। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ शांति व्यवस्था और अभियोजन समिति की बैठक, लंबित वादों को समय से निस्तारण के दिए निर्देश। सर्किट हाउस सभागार में राज्य आयोग की सदस्य निर्मला देवी की अध्यक्षता में संपन्न हुई बैठक व जन सुनवाई, महिला उत्पीड़न की घटनाओं के त्वरित निस्तारण के दिए निर्देश। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के पात्र किसान करा लें अपना रजिस्ट्रेशन, मिलेंगे 6,000 सालाना, डीएम ने दी जानकारी। 5 सूत्रीय मांग को लेकर उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के अधिवक्ता 11 फरवरी को डीएम के माध्यम से पीएम को प्रेषित करेंगे ज्ञापन, बार काउंसिल के सदस्य मधुसूदन त्रिपाठी ने दी जानकारी। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई राजस्व प्रशासन व कर करेत्तर की बैठक, लक्ष्य के सापेक्ष राजस्व की 100% वसूली किए जाने सहित ओटीएस के प्रचार प्रसार करने के दिए निर्देश। विभिन्न मांगों को लेकर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया ने दिया धरना, किसान आयोग के गठन और देश को कर्ज मुक्त कराने का किया मांग। महानगर स्थित नगर निगम परिसर में रैली निकाल कर किया प्रदर्शन, विभिन्न मांगों को लेकर अपर नगर मजिस्ट्रेट को सौंपा ज्ञापन। आंगनवाड़ी कर्मचारी एवं सहायिका एसोसिएशन का अनिश्चितकालीन काम बंद, कलम बंद हड़ताल रहा जारी, कहा मांगे पूरी ना हुई तो लखनऊ करेंगी कूच। और खूब खेलो खूब बढ़ो शीर्षक के अंतर्गत आयोजित हुआ एक दिवसीय एथलीट और वॉलीबॉल जिला स्तरीय प्रतियोगिता, विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर किया गया सम्मानित।